जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में चाक चौबंद तैयारियों का दावा किया है। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा व संचार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन पूरे जिले में अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे पक्षपात के आरोपों को निराधार बताया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दलों के कार्यकर्ताओं का समान रूप से चालान किया गया है। साथ ही पत्रकारों के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत ही कवरेज के लिए कहा गया है, किसी भी पत्रकार को कवरेज से रोका नहीं जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान तथा मतगणना के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पर हमारा डिग्री कॉलेज है जिसको हमने अधिग्रहण किया पूरे निर्वाचन प्रोसेस के लिए, तो हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सारी प्रिपेयर होकर हमारी डबल लॉक में रखी हुई हैं। वहाँ पर हमारा 3 लेयर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा जो काउंटिंग होल्स है, क्योंकि काउंटिंग के लिए हमें बहुत कम टाइम है, तो वो भी सारे प्रिपेयर हो गए हैं, सब रखे हुए हैं। तो हमारी ईवीएम्स वगैरह प्रिपेयर हैं। जो हमारा पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी 2 ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं। थर्ड जो उनकी ब्रीफिंग होगी वो कल यानी 3 तारीख को, जब हम उनको मतदान सामग्री उनको उनके हैंडओवर करते हैं, जिसमें कागज़ इत्यादि शाही इत्यादि होते हैं, कंपार्टमेंट बॉक्स इत्यादि होता है। उसके अलावा उनका जो पोलिंग पर्सनस का रैंडमाइजेशन है वो भी 3 तारीख को P-2 गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वो कल ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में होगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहेंगे। उसी टाइम पर हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर, जिनको कि वल्नरेबल बूथ या फिर जहां पर भी ऑब्जर्वर भेजना चाहे उन बूथों के लिए तैनात किया जाता है, उनका रैंडमाइजेशन भी कल होगा। और कल ही हमारा ड्राई रन, जो वेबकास्टिंग का ड्राई रन होता है बूथ का, वो भी कल हमारा होगा एज़ पर दी गाइडलाइन। तो ये तैयारियां हैं। परसों कल हम रैंडमाइजेशन करके ड्यूटी सील कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है। परसों सुबह जब पार्टी मूव करती है तभी उनको उनकी ड्यूटी वितरित की जाती है और उनको ईवीएम उनके हैंडओवर की जाती है। तो हमने जितना हमारा ट्रांसपोर्ट वाला था, जो रूट चार्ट था, वो तो ऑलरेडी पहले ही कमीशन को चला गया है। उसी के आधार पर जितने गाड़ी वगैरह व्यवस्था करनी थी वो ऑलरेडी व्यवस्था है। तो 4 तारीख को हमारा पार्टी मूवमेंट होगा, और पार्टी मूवमेंट के बाद भी उनको जब भी वो पार्टी वहाँ पर पहुँच जाती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, वो सर्टिफाई करते हैं कि एक एक पार्टी अपनी जगह पर सेफली पहुँच गई है। पीठासीन अधिकारी भी एक SMS करते हैं, जिसको PDMS में हम सेव करते हैं, कि वो पहुँच गई है, एक SMS उनका आता है। तो ये तो निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत ये स्मूथली हमारा कार्य चल रहा है। इसमें कोई भी हमारा सुरक्षा के लिहाज से हमें जो हमने डिमांड करी थी पुलिस फोर्स की, वो हमें एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स उससे मिली है, हमें CAPF की फोर्स भी मिली है, जिसमें ITBP भी SSB भी है। तो सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास पर्याप्त हमारे सुरक्षाकर्मी है। मतदान के दिन बॉर्डर सील रहते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल आवागमन है वो तो चलता है, लेकिन जितने हमारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी बाहर से आए हैं, जो कि यहाँ के वोटर नहीं हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनका जो है 48 घंटे पूर्व, यानी कि जब पोल समाप्त होता है उसके 48 घंटे पूर्व, यानी कि 3 तारीख की 5 बजे तक शाम को उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर जाना होता है। तो वो निश्चित कराया जाएगा कि वो लोग सब बाहर चले जाएं। मीडिया के लिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की गाइडलाइन है कि मीडिया उसको फॉलो करेगा। ये पूरा मैंने गाइडलाइन आपको मैं सबको अवगत करा दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। एक मैम, कर्मचारी में कन्फ्यूजन बना है, जो गरुड़ और निकपकोट और कांडा में तैनात हैं, उनका कहना है कि हम क्या वोट दे सकते हैं? बिल्कुल, जो अगर वो बागेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो वोट देंगे, और जो अवकाश का है वो जहाँ पर पूरी आचार संहिता लगी है पूरे डिस्ट्रिक्ट जी, भारी मात्रा में शराब, और ये चूँकि ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाई इलेक्शन में बहुत सारी हमारे पास सारी मशीनरी हमारे पास रहती है, चूँकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी जितना भी लॉ एनफोर्समेंट के लिए हम डिमांड करते हैं हमें मिल जाता है। तो हमें सारे पुलिसकर्मी और सारी सुरक्षा के तहत हमें सरप्लस मिले हैं, तो इसलिए हमने इस चुनाव में सरप्लस टीमें लगाई है। हमने अपनी 3 QRT टीमें बनाई है, FST जहाँ पर पहले पिछले चुनाव में कम रहती थी उससे लगभग 6 QRT टीम एक्स्ट्रा बनाई है, SST टीम हमने एक्स्ट्रा 10 बनाई है। इसके तहत हमने SDM और CO की अध्यक्षता में भी अपनी टीम लगातार फील्ड में जा रही है, तो निसंदेह इतना जब चेकिंग होगा तो हमें रिकवरी भी ज़्यादा होती है। तो हमने जो इस बार किया है बाई इलेक्शन में 4 बार सील किए हैं, उसका रीज़न भी ये है क्योंकि इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सेल 30% से ज़्यादा सरप्लस नहीं होनी चाहिए, तो किसी बार में 98% तक का सेल सरप्लस था, तो उसके तहत उसको इलेक्शन तक सस्पेंड किया गया है और उनको सील किया गया। ये चार बार हैं हमारे, उनको सील किया गया है। और जब हमें शराब का भी जो जखीरा मिला है वो भी हमें अनअकाउंटेड
रखा गया था जो स्ट्रोक से मिलान नहीं कर रहा था, तो उस पर एज पर जो दिशा जो गाइडलाइन होती है, जो भी चार्जशीट इत्यादि होनी है, वो कार्रवाई उस पर चल रही है। दूसरा, कैश का जो भी मूवमेंट रहता है, जो एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 50,000 से ज़्यादा का कैश आप सीज करेंगे, अगर उसका लिंक मिल जाता है तो फिर वो पर्टिकुलर के खिलाफ कार्रवाई होगी FIR में। अगर उसका लिंक नहीं मिलता तो वो RO के थ्रू CTO के साथ उसको ट्रेजरी में जमा करा दिया जाता है। कोई उसको क्लेम करता है तो विद प्रूफ क्लेम करके उसको वापस ले सकता है, कोई अन्य व्यक्ति जो पार्टी से रिलेटेड नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पहले हम 107-16 करते शांति भंग के लिए चिन्हित करके, 213 107-16 की गई हैं, उसमें से सभी पार्टी के सम्मिलित हैं। पार्टी ही नहीं, इत्यादि अन्य पर्सन भी जो किसी पार्टी से लिंकेज नहीं है लेकिन शांति व्यवस्था भंग करने की उसकी गुंजाइश है, या पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, या अन्य कोई भी है, जो भी पुलिस उसका आधार बनाती है या मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान लेता है। इसके अलावा MCC आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जो कैंडिडेट करता है, उनको नोटिस जारी किया जाता है। तो उसके तहत जो मुझे कल RO की रिपोर्ट मिली थी, उसमें 6 हमारे BJP को, 3 कांग्रेस को, 1 UKD को और अन्य को किए गए। आज हो सकता है वो फिगर चेंज हो जाए, वो आप RO से पर डे मैच कर सकते हैं। RO पर डे उसकी कमीशन को भी उसकी रिपोर्ट भेजता है। जितना हमारा पोस्टर बैनर जो विदाउट परमिशन लगते हैं, तो जो मेरे पास रिपोर्ट थी वो 1500 के आसपास पोस्टर्स वगैरह थे जो FST ने हटाए, जो हमारी टीम हटाती है जो विदाउट परमिशन होते हैं, उसमें सभी पार्टियों के सम्मिलित हैं। पार्टी के कितने, वो एग्जैक्ट फिगर मेरे MCC नोडल आपको अवगत करा देंगे, आप उनसे डिटेल में ले सकते हैं। मतदान के लिए प्रशासन पूरी तैयार है, जैसा कि मैंने कल रात को, देर रात को 9:30 बजे भी निरीक्षण किया था टीम देखने के लिए हमारी सिक्योरिटी को। तो हमारे डबल लॉक में हमारी EVM रखी है, 3 लेयर्स हमारी सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर में SSB, सेकेंड में ITPP, थर्ड में पुलिस लेयर है। हमारे काउंटिंग हॉल्स वगैरह तैयार हैं सारे, सभी वो मैंने देख लिया, जितना भी पोलिंग पर्सनल्स के लिए वेलफेयर मेजर लगते हैं जितने भी, वो भी सब चेक कर लिए हैं। और रैंडमाइजेशन 3 तारीख को हो जाएगा, 3 तारीख को हमारा सामग्री वितरण भी हम पोलिंग पर्सन्स को कर देंगे, और लास्ट ब्रीफिंग जो होती है उनकी, वो लास्ट ब्रीफिंग भी हो जाएगी। और 3 तारीख को रैंडमाइजेशन के बाद ड्यूटी सील हो जाएंगी, 4 तारीख को ही हम ड्यूटी के साथ उनको EVM के साथ डिस्पैच करते हैं। हमारा रूट चार्ट था जो ऑलरेडी फाइनल हो गया था, हमारे पास सरप्लस गाड़ियाँ हैं क्योंकि दूसरी विधानसभा की भी हमने यहीं पर पूल कर ली हैं गाड़ियाँ, तो हम जो दूरस्थ बूथ हैं उसमें एक एक गाड़ी को, एक एक पोलिंग पर्सन्स को भेजते हैं। और वेबकास्टिंग की हमारी पूरी तैयारियाँ हैं, 94 बूथों पर वेबकास्टिंग होगा, आयरन हो गया है, जो जितने भी इक्विपमेंट थे उनको चेकिंग कर ली गई है। तो ये सब हम इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो हम पूरी तरह तैयार है, कोई उसमें गलती की ना तो संभावना है, और हम पूरी तरह तैयार है। पूरी टीम प्रशासन लगातार कार्रवाई तो काफ़ी कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के कम हो रही कार्रवाई और विपक्ष पर ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है? इस पर आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, आप फैक्ट्स पर जाइए। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कैसे भी लगा सकता है, लेकिन आप जब फैक्ट्स चेक करेंगे तो आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये RO की डायरी से फैक्ट्स चेक कर लीजिए। एक में कांग्रेस ने आज आरोप लगाया है कि आशंका उन्होंने जताई है कि मतदान के दिन जो है इलेक्ट्रोल को बदला जा सकता है, बाहर अलग होगा अंदर अलग होगा, क्या ऐसी संभावना? इसकी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि नाम निर्देशन के टाइम पर ही हमारे हरेक कैंडिडेट को जो फाइनल इलेक्ट्रोल है जिस पर मतदान होना है, वो एक एक प्रति, प्रमाणित प्रति RO के साइन से उनको अवगत करा देते हैं। वो कैंडिडेट अपना चेक कर सकता है किसी भी बूथ के लिए। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।